दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल उत्कर्ष त्रिवेदी को और दबा दें बेल का आइकन ऑटोमोबाइल्स टेक रिव्यूज मोटोव्लॉग्स से रिलेटेड मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल से और आज का जो हमारा टारगेट है वो है 275 किलोमीटर्स का। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं लोधा फॉल जो कि इंडिया का 21वां सबसे बड़ा फॉल है। तो वहाँ जाएंगे वो करीबन यहाँ से 60-65 किलोमीटर, फिर वहाँ से वापस आएंगे और फिर यहाँ से हम लोग रांची जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बीच में एक प्रॉब्लम क्या आ गया मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक्शन कैमरा है, ये मेरा एक्शन कैमरा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों एकदम काम करना ही बंद कर दिया है। तो हो सकता है मोटोव्लॉग्स कम मिले और अगर कैमरा ऑन हो गया तो आपको मोटोव्लॉग्स मिलेगी। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। नेतर हाट के आगे एक टर्न आता है जो कि राइट टर्न चल जाता है, वहाँ से हम लोग अभी मुड़े हैं जो कि महुआ डांड डाल्टेनगंज ले जाता है। तो यही रूट है लोध फॉल का भी। तो हम बढ़ते आगे, लेकिन यार एक प्रॉब्लम हो रही है, एक्शन कैमरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फ़ोन से शूट कर रहा हूँ लेकिन काम चला लेना। दोस्तों अभी हम लोग रुके हुए हैं जो कि है महुआ टांड से करीबन 8 किलोमीटर पहले। आरएन जैसा कि 200 आरएस चला रहा है तो मैं जस्टिन के साथ हूँ R15 में। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ठंड थोड़ी और बढ़ जा रही है क्योंकि दोस्तों ये ऊंचाई है और हम लोग काफ़ी ऊँचाई पर हैं। अभी नज़ारे देखिए दोस्तों, नज़ारे हम लोग पहुंच गए लोध फॉल और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ते देखते फॉल कैसा है। और बोला जाता है कि लोध फॉल इंडिया का 21 फॉल में से एक है। तो एक्चुअली फॉल का आवाज आने लगा है धीरे धीरे और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। इधर फॉल गिर रहा है कहीं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। 1.5-2 किलोमीटर की अच्छी ट्रैकिंग हो जा रही है और अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा और ऊंचा है। दोस्तों अभी हम लोग ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पे पहुँचे फॉल में और जितना भी थकान था फॉल का ठंडा ठंडा हवा को देख के ही दूर हो गया। तो दोस्तों ये देखिए भारत का 21वां सबसे बड़ा फॉल जो कि है
लोध फॉल, ये है आपके सामने। ये पहला झरना यहाँ से बह रहा है और थोड़ा ऊपर आइएगा तो दूसरा यहाँ से है और तीसरा यहाँ से है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉल है, बहुत ही मनमोहक नज़ारे हैं। तो चलिए दोस्तों फॉल कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं। नज़ारे देखिए, नज़ारे अभी हम लोग चढ़े हुए ऊपर की ओर और आए हैं करीबन यहाँ से, तो गजब का नज़ारा है। देखते हैं कोई अच्छा जगह जाते हैं और थोड़ा फोटोशूट करते हैं। हमारे प्रीत भाई कुछ बताएंगे आप लोगों को, बताइए सर। आप मोटे हो गए। देखिए अब लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मोटे हो गए, चलने नहीं सक रहे हैं, तो ठीक है भाई मार लीजिए ताना आप लोग भी। तो दोस्तों फॉल अच्छा लगा होगा, नज़ारे अच्छे लगे होंगे, तो एक कमेंट ज़रूर करके बताना यार। वापस से ट्रैकिंग हो रही है और हालत ख़राब हो गई है, अब निकलना होगा हमें घर की ओर। इस बात पे ख़राब हो रही है हालत कि अभी हम लोग को 220 किलोमीटर ड्राइव करना और 2.5 बज गए हैं अभी, तो बढ़ते हैं आगे घर की ओर। एक अफसोस और रहेगा कि आज के दिन ये मेरा ख़राब हो गया यार। चलिए कोई नहीं, कुछ होता है तो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा बोला जाता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं घर की ओर और कोशिश करता हूँ जितना जल्दी कवर कर पाऊँ डे टाइम में, उतना बढ़िया रहेगा और आप लोगों को अपडेट अभी मिलते रहेगी। दोस्तों 17 किलोमीटर कवर हुआ है अभी, होटल आरुषि महुआ डाड़, यहीं पे हम लोग रुके हुए थे, समोसा चाट हुआ, चाय हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं नेतरहाट का, यहाँ पे जो मोड़ है, जो इधर से हम लोग चल गए थे महुआ डाड़, और सीधा 8 किलोमीटर चल जाएंगे तो नेतरहाट पहुँच जाएंगे। काफ़ी थकान भी हो गया और सूरज भी ढल रहा है, सूरज ढलने से पहले ये वाला रोड से कम निकल के घाघरा पहुंच जाना है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लोहर दग्गा, तो यहां से करीबन हमारा घर हुआ 100-120 किलोमीटर। तो दोस्तों वीडियो एंड करने का समय आ गया है, मोटो व्लॉग्स बीच में इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि एक्शन कैमरा का तो हाल आपको पता ही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, आप मेरे नेतरहाट टूर को पूरा देख सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आगे आगे जाके कुछ इसी तरीके के वीडियोस आने वाले हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।